हेलो एवरीवन, मैं संदीप शर्मा, लेक्चरर, SGB गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत सिंपल मशीन टॉपिक में वर्म एवं वर्म व्हील, जिसे हिंदी में वर्म या वर्म चक्र भी कहते हैं, वर्म एवं वर्म चक्र भी कहते हैं, उसके बारे में समझाऊंगा। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो एक मशीन होती है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, वर्म एवं वर्म व्हील के रूप में। इसका काम, मुख्य काम है कि जो कोई भी वेट होता है, W जैसे लटकाया हुआ है, इसको भार को उठाना, जैसा कि स्क्रू जैक में भी हमने देखा था, उसका काम भी भार को उठाना, भारी जो बोझ होते हैं उनको उठाने में काम आती है। तो इस मशीन में एक साधारण पेच होता है जिसे वर्म कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये वर्म कहलाता है, ये एक साधारण पेच है जिसे वर्म बोलते हैं। ये वर्म एक वर्म चक्र से गियर करता है। तो यहाँ जो ये वर्म चक्र नीचे लगा हुआ है, इसे वर्म व्हील बोलते हैं। तो ये और ये वर्म एक गियर होता है, मतलब आपस में गियर करते हैं, इनके दांते फंसे हुए होते हैं तो गियर करता है। वर्म चक्र एक पहिया होता है। तो वर्म चक्र क्या होता है, एक पहिया होता है जिसके बाहर की ओर टीथ या दांते निकले होते हैं। जैसे आपने देखा है, ये एक वर्म चक्र है, तो ये इसके टीथ निकले हुए हैं। अब चित्र के हिसाब से अपन देख सकते हैं कि अपन वर्म एवं वर्म चक्र दोनों के दांतों का अंतराल एक ही होता है। तो यानी कि जो इनके बीच में जो गैप है दांतों के बीच में, वो इस वर्म के दांतों के अंतराल और इनका जो अंतराल होता है वर्म व्हील का, वो दोनों का एक ही होता है। अब वर्म के एक सिर पर आयास लगाने के लिए हत्ता होता है। तो ये आप एक हत्ता देख रहे हैं, इससे हम एक फोर्स लगाते हैं इस हत्ते से। तो हत्ते पर जब हम आयास लगाते हैं, तो जैसे ये रोटेट करेगा, तो एक चक्कर इसमें वर्म पूरा कर लेगा, यानी कि हत्ते द्वारा एक चक्कर लगाने पर वर्म भी एक चक्कर काटेगा, यानी कि ये वर्म भी एक चक्कर काटेगा, तथा वर्म चक्र अपने दांतों के अंतराल के बराबर की दूरी घूमेगा। जब ये एक चक्कर काटेगा, तो ये वर्म चक्र भी अपने दांतों के अंतराल के बराबर की दूरी में विस्थापन करेगा। अब यदि वर्म चक्र पर दांतों की संख्या n हो, तो वर्म के एक पूर्ण चक्कर लगाने पर वर्म चक्र 1/n चक्कर लगाएगा। यानी कि यदि इस पे दांतों की संख्या n है, तो ये वर्म का जो एक चक्कर लग रहा है, तो वो 1/n चक्कर लगाएगा। तो वर्म चक्र से एक बेलन दंडरा से जुड़ा होता है और दोनों की धुरी एक ही होती है। तो इस वर्म चक्र से ये जो r त्रिज्या का आप बेलन देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है, इनकी धुरी एक ही होती है दोनों की, यानी कि ये पॉइंट एक्सिस इनका एक ही होता है। तो जब हम वर्म चक्र घूमेगा, तो क्या होगा कि जब ये वर्म चक्र घूमेगा, तो बेलन भी घूमेगा। यानी कि जब ये घूमता है, मूव करता है, तो ये बेलन भी घूमता है, और इससे जो लिपटी हुई रस्सी जो है, इससे भार बंधा रहता है। तो जब बेलन घूमता है, तो ये भार भी स्थापित होता है। तो अब हम इसका एक फॉर्मूला देखेंगे कि किस प्रकार हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यदि बेलन की त्रिज्या आर हो, तो हत्ते के एक चक्कर पर, तो जो यदि बेलन की त्रिज्या दी हुई है, आर है, तो हम आयास का विस्थापन निकालते हैं, वो होगी 2πL, ये हत्ते की लंबाई है L, और भार का विस्थापन होगा 2πr/n, यानी कि 2πr उसकी परिधि होगी बेलन की, और n
इसमें टीथ हैं या दांत हैं, इसका हम भाग दे सकते हैं। तो वेगानुपात बराबर होता है आयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन, यानी कि जो आयास है वो 2πL का विस्थापन है और भार का है 2πR बटे n, इन दोनों का भाग दे दिया तो हमारे पास बचता है nL बटे R। तो ये फॉर्मूला हमारे को वेगानुपात का प्राप्त होता है। यहाँ n है वर्म चक्र पर दांतों की संख्या है, L हत्ते की लंबाई है और R बेलन की त्रिज्या है। तो इस प्रकार हमने वेगानुपात का फॉर्मूला वर्म चक्र के लिए निकाला। अब दोहरी चूड़ी वाला, यदि इसमें दोहरी चूड़ी हो वर्म चक्र में, तो यदि इसमें एक वर्म के एक चक्र पर वर्म चक्र के दो दांते आगे बढ़ते हैं, उसमें अब एक नहीं बढ़ता है, दो दांते बढ़ते हैं, अतः वर्म चक्र द्वारा विस्थापित दूरी 1/n के स्थान पर 2/n होगी। अतः इसमें वेगानुपात अब क्या हो जाएगा, 2πR बटे 4πR बटे n, यानी कि ये n बाई 2 जो था ये 2πN कर दिया, तो ये 4πR बटे n है। तो इस केस में वेगानुपात का फॉर्मूला प्राप्त होता है nL बटे 2R, यानी इसमें दो दांते आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने वर्म एवं वर्म व्हील के लिए आपने वेगानुपात का फॉर्मूला देखा। तो इसके लिए धन्यवाद।